नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आसन में सीबीएसई दिल्ली कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल ब्लॉक आसंद का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। स्थानीय विद्यालय में कुल 42 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इनमें से 44 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और 18 विद्यार्थियों के 75% से अधिक अंक प्राप्त हुए। 3 विद्यार्थियों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए। सुश्री आशा साहू ने सर्वाधिक 91.7% अंक प्राप्त किए और द्वितीय स्थान पर अनिरुद्ध टेलर ने 91.20 अंक प्राप्त किए और तृतीय स्थान पर मोइनुद्दीन ने 90.60%, पुखराज गुर्जर 86.40%, गणपत सिंह चीता 82.40%, गौतम सोनकर 81.40%, साक्षी शर्मा 80.60%, निकिता जी नगर 80.20% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का कुल परीक्षा परिणाम 95.24% रहा और 9 विद्यार्थियों ने गार्गी पुरस्कार के लिए योग्यता प्राप्त की। प्रधानाचार्य तुलसी राम कुमावत ने सभी विद्यार्थियों को माला पहनाकर अभिवंदन किया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सीबीएसई परीक्षा प्रभारी डॉक्टर विकास ट्रेलर, व्याख्याता महावीर सिंह चौहान, राकेश कुमार चौधरी, ओम प्रकाश बीरवा आदि उपस्थित रहे। मैं मोइनुद्दीन शेख, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल आसिन का कक्षा 12वीं मैक्स वर्क का छात्र हूँ। मैंने सीबीएसई बोर्ड में 90.6% से टॉप किया है। मेरी सफलता का श्रेय मैं सर्वप्रथम ईश्वर और अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी और माताजी का सपना है कि मैं आगे चल के IAS बनूँ। मैं हूँ आशा साहू। मैंने स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल आसिन से 12th पास किए। मेरे 12th में 91.6% रहे हैं। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। एवं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने जीवन काल में बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। मैंने अभी तक सिर्फ 2 बोर्ड एग्जाम दिए हैं, पहला 10th एंड दूसरा 12th। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि मेरा 12th का रिजल्ट 10th से कुछ बेहतर था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू। CBSE दिल्ली द्वारा आज 12th बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल आसिंद का परीक्षा परिणाम उत्तम रहा है। विद्यालय से 42 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, जिनका रिजल्ट 95.24% रहा। फर्स्ट पोजीशन आशा साहू 91.6%, सेकंड पोजीशन अनिरुद्ध टेलर 91.2% एंड थर्ड पोजीशन मोइनुद्दीन 90.6% रहे हैं। इनके अलावा 5 विद्यार्थियों के 80 से 90 के बीच प्रतिशत रहे थे और कुल मिलाकर के 42 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास हुए, शेष 2 विद्यार्थियों के पूरक आई थी।